जय हिंद भाई सभी को। अभी मैं आ रखा हूँ नागौर जिले के सुखवासी गांव में। सुखवासी और ये हमारा लाडला भाई जो हमारी अकेडमी का जो पहला बेस था, जिन्होंने पहली जो अग्निवीर की भर्ती देखी थी, उसी बेस में अभी आर्मी की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया और आज आज हम इसके घर पे आए भाई इसको मिठाई खिलाने के लिए। इनके पिताजी, क्या नाम है सर आपका? शेर सिंह है सर। शेर सिंह सुखवासी के रहने वाले हैं। क्या काम करते हैं सर आप? किसान ही हैं। किसान है और अब अकेडमी में बच्चों को कब लेके आए थे? 2022 में। उसके बाद में कभी आए थे बच्चे को देखने के लिए अकेडमी? मैं नहीं आया सर। कभी नहीं आए? कभी नहीं आया। और आप इसको मतलब अकेडमी किस हिसाब से लाए थे, मतलब आपको किसी ने बताया या वीडियो देखे? नहीं, वीडियो देख के आए थे। वीडियो आपने देखा? किसने? इसने ही देखा था। अच्छा, इसको बताया था? मैं तो वीडियो में जानता ही नहीं हूँ। अच्छा, तो इसी ने आपको बताया था और डालने के बाद में आप फिर दोबारा कभी नहीं आए? मैं नहीं आया कभी। अब जब डाल के आए थे तब आपको लगा था कि लग जाएगा नौकरी? लग जाएगा, विश्वास था। विश्वास था जब वहाँ पे मिले थे, हम मेरे से मिले थे आप उस समय? मिले थे। तो आप मतलब इतना विश्वास था आपका? पक्का नौकरी लग जाएगा। पक्का नौकरी लग जाएगा। और मैं बता दूं, इसने दो भर्ती अटेंड की है। जो पहली भर्ती अटेंड की थी उसमें एक मेडिकल पॉइंट के कारण पेपर पहले का ही पास था उसका। हाँ, पेपर पहले पास था। और मेडिकल के कारण। अब तू अपना परिचय दे, नाम पता सब कुछ। मैं अबेरा सिंह राठौर, नागौर जिला का, नागौर तहसील गए हूँ। मैं अकेडमी गया था कमांड अकेडमी 2022 में। 2022 पहले बेंच में रही था अकेडमी का। पहले ये अकेडमी के पहले बेंच पहले बेंच में था। पहले बेंच का ही था। ठीक है। और इसके साथ के भी ये मतलब 11 बच्चे एक साथ, अभी 11-12 बच्चे एक साथ आउट हुए परेड आउट। और इसके बाद में जुलाई के महीने में और हमारे बच्चे आ रहे हैं। और कितने दिन तैयारी की थी लाडली? अकेडमी देख लो, 11-12 महीने रुका था, जिसमें 11-12 महीने में तीन पेपर पास किए थे। एक एयरफोर्स का था, दो आर्मी टेक्निकल का था, जिसमें तीनों पेपर पास थे। तीनों पेपर पास थे। और अभी किस में ट्रेड में लगा है? अभी टेक्निकल, आर्मी टेक्निकल। आर्मी टेक्निकल? टेक्निकल। जो पहला पेपर किसका पास किया था? पहले टेक्निकल का था। नहीं, एयरफोर्स का? एयरफोर्स एक्स ग्रुप। उसमें क्या रहा था? उसमें फिर आगे गया नहीं था, दादोसा खत्म हो गई इस कारण। अच्छा, उस समय तो उसका अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। और दूसरा फिर आर्मी टेक्निकल का था, जिसमें रनिंग वनिंग ये पास किया था। मेडिकल में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो बाद में फिर ठीक करा दी थी और हो गया था। अबकी बार हो गया था। और ये लास्ट अटेम्प्ट था? लास्ट अटेम्प्ट। अब बताओ एकेडमी में कैसे तैयारी होती है, उसके बारे में बताओ। एकेडमी में बड़ी होती रूटीन, एकदम डेली का रूटीन सेम होता है। सुबह उठाना है, जल्दी रनिंग करनी है, फिर बस नाश्ता वास्ता करके वापस क्लास स्टार्ट हो जाती थी। 1-1.5 बजे तक क्लास चलती थी, फिर थोड़ी रेस्ट है, फिर वापस शाम को रनिंग। बस एकदम बढ़िया रूटीन था। सेम अभी सेम रनिंग वाला यूनिक रूटीन था एकदम। वहाँ पे संडे को मोबाइल मिलता था? संडे को मोबाइल मिलता। एकेडमी में भी? एकेडमी में भी संडे को ही। संडे को ही। अच्छा, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मतलब गार्जियन है जी, गार्जियन मतलब आप मान लो आपका बच्चा सक्सेस हुआ है, और भी कई गार्जियन हमारे पास में आते हैं, ठीक है? तो आपने जितना फेथ दिखाया ना, वो इतना फेथ कई गार्जियन नहीं दिखा पाते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक चीज, इनके बच्चा या बच्चा लग कम से कम 15 महीने रहा होगा, एक बार भी इन्होंने कॉल नहीं किया कि सर मेरा बच्चा इस भर्ती में क्यों नहीं लगा? मैंने नहीं कहा था, आपको ही पता, कभी कॉल किया? हाँ, नहीं किया। तो बाकी जो गार्जियन है उनको मैं बताता हूँ कि धैर्य रखना पड़ेगा। बस धैर्य रखना पड़ेगा और विश्वास भी रखना पड़ेगा। विश्वास रखो, लग जाएगा सबका नौकरी। मतलब एक बार भी कभी इन्होंने मेरे को कॉल नहीं किया कि भाई इसमें क्या हुआ सर, इसमें क्या हुआ, क्योंकि इनको पता समय तो लगेगा नौकरी लगने में। भाई समय तो लगेगा ही लगेगा ही। दूसरा, ये विश्वास करके वहां पर आए थे, दोबारा कभी देखने नहीं आए? मैं तो अकेडमी नहीं आया, नहीं कभी कॉल। कभी बच्चे ने कुछ बताया अकेडमी बारे में गलत? नहीं बताया कभी भी। कभी भी। और अभी ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया, फौजी बन गया है, तो अब कैसा लग रहा है? जब इसका रिजल्ट आया था, वो कैसा लग रहा है? ये कह रहा था वो फौज की ट्रेनिंग, इनकी ट्रेनिंग बहुत सेम टू सेम। नहीं, जब ये लगा था लाडले, तब कहाँ था तुम? जब फाइनल रिजल्ट आया था तब यही था। फाइनल रिजल्ट था। और पापा? पापा यही थे। अच्छा, तो मतलब तू देख के बताया होगा ना? हाँ, देख के बताया था। मतलब उस समय मतलब कैसा पल था आपके लिए? पल तो था ही सर, बच्चा नौकरी लगे पल ऐसा नहीं है। नहीं, मतलब आप उस समय क्या कर रहे थे? मेरे कहने मतलब ये, उस समय मतलब आपको याद है क्या कर रहे थे आप? मतलब बैठे थे इधर, इधर ही तू देख रहा था? मैं अंदर था, अंदर से बाहर है, बोल दिया रिजल्ट नौकरी लगी, मैं यही बैठा था बाहर। बात है। और मैं उससे एक दिन पहले एकेडमी से आया था इधर, एक दिन पहले आया था, और अगले दिन रिजल्ट, अगले दिन रिजल्ट आ गया, दिन रिजल्ट आया। क्योंकि देखो, जब ये शाम को आया दोपहर में 2 बजे लमसम रिजल्ट आया। आपके क्षेत्र के और भी कई बच्चे हमारे पास में जैसे आते हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई दो बात कह दीजिए? उनको कहूंगा आप जाइए वहाँ, बहुत बढ़िया तैयारी है, लग जाओगे फौज में पक्का। लेकिन धैर्य तो धैर्य रखना पड़ेगा, माँ बाप को विश्वास करना, विश्वास तो करना ही पड़ेगा मेरी तरह। इन्होंने मतलब 15 महीने कॉल नहीं किया, नहीं कभी वो वापस गया, दोबारा खेड भी नहीं है, एक बार एडमिशन करने आया था, वो बेटा से 10 मिनट रुके होंगे, 10 मिनट मानो 15 मिनट मानो, उसी समय रुके और इसको
छोड़ के आए थे, उस दिन हम डीजे बजा रहे थे, बर्थडे था तो उसमें आया था। और अभी अभी मतलब उसी टाइम जैसे आप निकले थे डांस करना शुरू कर दिया था, और हंसी खुशी लग गया भाई। अभी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर लिया है, और हमारी तरफ से आपकी मिठाई लेके आए भाई, हम इसलिए आया था कि आपको बताएंगे जो अभिभावक है उनसे मिला सके, क्योंकि बच्चा जब वहाँ आता है तो अभिभावक नहीं आ पाता, इसीलिए हम आए हैं। बच्चे से तो हम साल भर या जिंदगी भर कनेक्ट रहेंगे, जो हमारे पास में रहा है एक साल तो अब इसका मतलब जिंदगी भर का रिश्ता है, लेकिन आपसे मुलाकात हो सके इसलिए आए, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई जो अभिभावक है वो क्या सोचते हैं। विश्वास करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा, ये दो चीज है, बाकी नौकरी लगा के छोड़ेंगे। ले भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप करी भाई मुंह मीठा बस, बाकी इनको कैमरा मैन को हम बाद में खिला देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खिलाएंगे, खिलाएंगे इनको, खिला देंगे ओके।